कुटिया विच साध संगत दा जोड़ मेला वाहवा बन रहा सी। दूर दूर तो माई भाई दर्शन करके जीवन सफला करन दे आर विच लग गए सन। सो संतां ने पहला कार्ज जो शुरू किया उह सी नाम बाणी दा होका देना, लोकाई नूं बाणी नाल जोड़ना, सब नूं दृढ़ करवाउणा कि गुरु साहब दा एक ही है बाबा नानक, बाकी सब भाई भाई, कोई वड्डा भाई कोई निक्का भाई, सब दी आप सुन दे, सब नूं मन बांछत फल बख्शिश कर दे। पर नवी नवी पनीरी नूं बहुत प्यार कर दे, हिक नाल लाउंदे प्यार कर दे, दुलार के बाणी पढ़न लाउंदे। इन्हां नवें मुंडियां नूं अक्सर बच्चू कह के बुलाउंदे, किसे नूं चंगा बूटा, किसे नूं सुचे रेजे, किसे नूं सुची रूह दी बख्शिश कर दे, सब नूं बाबे नानक दी फुलवाड़ी आख दे। हुण डेरे विच बाणी दा प्रवाह इन्ना चल पिया कि एक वारी आपने बचन कीता, जिहड़े मुंडे 16-16 जमातां पढ़े हुए ने उन्हां नूं बाणी पढ़नी नहीं आउंदी, जिहड़ा इत्थे आ के 2 महीने ला जांदा उह बाणी पढ़न लग जांदा। गुरमुखी अक्षर आप भी पढ़ो ते बच्चियां नूं भी पढ़ाओ, इह भी एक संस्कार समझो, विद्या संस्कार। होर चंगा भी बहुत कुछ पढ़ो पर गुरमुखी जरूर पढ़ो, फिर गुरबाणी दा शुद्ध उच्चारण करना सौखा है। अपने अपने समय दी गल है, किसे समय कुछ प्रवान किसे समय कुछ, गुरबाणी गुरमुखी अक्षरां विच लिखी गई है, इस दी सही सूझ लई गुरमुखी पढ़नी जरूरी है। कश्मीर दे सिख एक वार गुरु अर्जन साहब कोल आए कि पंडित सानू बाणी पढ़दिआं बखेड़ा करदे हन, चढ़ाउंदे हन, संस्कृत नूं देव भाषा कहिंदे हन ते गुरबाणी नूं मनुखी। गुरु अर्जन देव जी ने भाई माधोदास नूं भेजिआ, उह सिख ने जा के धर्मशाला बद्धी, अमृत वेले जागणा, सरूप च जुड़ना, बाणी दी विचार करनी, किरत करके वंड छकना, गुरपुरब मनाउणे ते निव चलण दा उपदेश दित्ता। पंडित चर्चा करन आ गए, भाई माधोदास ने कहा, घिओ भावें सोने दे भांडे विच होवे भावें मिट्टी दे, कोई नहीं पुछदा घिओ वेखदे हन। इंज ही परमेशर दा नां किसे भाषा च लै लो, जिस भाषा विच चंगी तरह समझ आवे, जे समझ नहीं आउंदी तां पढ़न दा की लाभ। गुरबाणी दी समझ लैणी आ तां गुरमुखी जरूर पढ़ो। नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना, जिस राम नाम गलहार। सिर्फ बाणी पढ़नी ही नहीं सगों शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न ते जोर दिंदे। एक वारी आप एक श्रद्धालु नूं गुटका साहिब फड़ा के कहन लगे, मैं रह रस पढ़दा हाँ, तू पोथी तो वेखी जावीं, जिथे मेरी गलती होवे मैनू टोक दवीं, मैं कते गलत ही ना पढ़दा रवां, बाणी शुद्ध पढ़नी चाहीदी है। रात बारह बजे तो बाद उठ के आप कुटिया तो बाहर आउंदे, सामने खूही तो जाके कदे कदे सूए तो इशनान करदे, संगत भी अद्धी रात तो बाद आउणी शुरू हो जांदी, फिर बाणी दे प्रवाह चल पैंदे। नितनेम दे पाठ हुंदे, सुखमणी साहब, आसा दी वार ते होर बाणियां दे पाठ हुंदे, जपजी साहिब दे तां कई कई पाठ हो जांदे। ए नवीं पनीरी बड़े चाअ नाल डेरे आउंदी, स्कूल जाण वाले मुंडे घर आउंदिआं ही बस्ते रख के ते डेरे आ जांदे। संतां ने उहनां नूं बड़ा प्यार करना ते उहनां नूं पोथी पढ़न ला देना। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਰਸ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਸਟੀਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।